एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिसंबर इज हियर एंड उसका मतलब है कि मेरा बर्थडे भी आने वाला है यार, तो उसकी खुशी में आज हम बहुत ज़्यादा वाले आउटफिट्स एंड ड्रेसेस वगैरह ट्राई करेंगे एंड होपफुली कि तुम्हें भी उससे हेल्प हो अगर तुम्हारा भी बर्थडे है इस मंथ या फिर किसी की बर्थडे पार्टी अटेंड करनी हो। ऑल्सो मुझे पता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि ओकेजन आ जाता है बट हमारे आउटफिट्स कपड़े वगैरह तैयार नहीं होते, तो मैंने सारी ड्रेसेस वन डे डिलीवरी में मंगवाई है यार, तो एक एक करके ट्राई करते हैं, देखते हैं कि वो सुंदर है भी या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट लुक एट दिस ड्रेस, इसका कलर खुद में इतना ज्यादा प्रिटी, ऐसा लग रहा है इसे सजा के कहीं रख दो, ये खराब नहीं होनी चाहिए, इस पे एक क्रीज भी नहीं आना चाहिए यार। आई जस्ट लव बर्थडेज, उनके लिए ड्रेस अप होना वाला इतनी खुशी मिलती है। एक सेकेंड यार, इसमें कोई चेन नहीं है, वॉट ये ऐसी पहनना है लाइक अ टॉप। आई कैन नॉट बिलीव ये वन डे डिलीवरी में इतनी मस्त फैब्रिक क्वालिटी, आई काइंड ऑफ लाइक इट। ऐसा लग रहा है कि सिलवाया हुआ है किसी से, क्योंकि ऐसी वाली ड्रेसेस यूजुअली आजकल लोग ना स्टिच भी करवा लेते हैं। ओ माय गॉड, मस्त केक खाने के लिए मैं हो गई हूँ तैयार, चाहे मेरा बर्थडे हो या फिर मैं किसी की पार्टी में भी जा रही हूँ। इसकी फिटिंग ठीक ठीक है, इन द सेंस कि पीछे से ये हल्की सी मुझे लूज है, बट मे बी इफ यू कैन इग्नोर इट दैट्स फाइन, बट ओवरऑल इतना प्यारा ड्रेस लग रहा है यार, ऐसे हाई लो रफल डिटेलिंग, आई फील लाइक अ सेनोरिटा। बट जोक्स अपार्ट, आई नो ये थोड़ा समर के लिए तो कुछ ज्यादा ही अप्रोप्रिएट है, बट हल्की हल्की ठंड के लिए यू कैन कैरी अ जैकेट या फिर ऐसे क्रॉप स्वेटर बना के ये स्कर्ट वाली वाइब देगा, अदरवाइज यू कैन कैरी अ स्टॉल और समथिंग हल्का सा अपना आपको कवर करने के लिए, बट ऑलवेज मेक श्योर कि तुम मेरी तरह इन चप्पलों में मत बाहर जाना, अच्छे से प्यारी सैंडल्स या फिर फ्लैट्स भी चलेंगे एंड तुम बहुत ज्यादा प्यारे लगने वाले हो। वी हैव द परफेक्ट डे टाइम के लिए बर्थडे ड्रेस, लुक एट द प्रिंट, फ्लोरल प्रिंट, आई लव फ्लावर्स यार, बर्थडे पे फ्लावर्स पहनने को मिल जाए तो और क्या ही बात है, वो चमक धमक से ज्यादा पसंद है मेरे को। इसमें ऊपर चेन है एंड नीचे भी चेन है कितना इजी हो जाएगा इसमें घुसना, एक सेकेंड, इट्स अ बिट ट्रिकी। तो पहले ये स्कर्ट पार्ट, इट्स अ मैक्सी ड्रेस, तो पहले हमने नीचे अपने आप को फिक्स कर लिया एंड ऊपर, ओके इट्स ट्रिकी। एक स्लीव, दूसरी स्लीव, अच्छा बनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, सक्सेस। मैंने सही पहना, ऐसे ऐसे ही पहनना है, हाँ थोड़ा सा तो मुश्किल है, नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई रियली लव दिस कट, दिस डिज़ाइन, डिटेलिंग, वो पीछे भी सेम है, इट्स सो नाइस। आगे अगेन ये हाई लो में है, इट्स लाइक अ परफेक्ट फ्लेयर आ रहा है, लाइक अभी इतनी धूप आ रही है ना तो ठंड नहीं लग रही है दिसंबर में, तो ऐसे ब्रंच के लिए या फिर पिकनिक के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है एंड ये काइंड ऑफ लाइक कवर्ड भी है बट अच्छा पीकअबू सिचुएशन भी दे रहा है, तो नाइस ऑप्शन टू हैव इन योर वार्डरोब। वैसे भी ज़रूरी नहीं है बर्थडे पे ही पहनने, तुम बाकी यू नो ओकेजंस पे भी से ट्राई कर सकते हो, इट्स सो नाइस। वी हैव द क्यूटेस्ट बर्थडे ड्रेस, वैसे इसका कलर देखिए, बर्थडे ड्रेस से कम क्रिसमस ड्रेस ज्यादा अच्छी लग रही है, इसको ऐसे ही पहनना पड़ेगा, इसमें कोई जिपर या हुक कुछ नहीं है, बट इट्स लाइक दिस, ओह माय गॉड, आई लव द फिटिंग ऑलरेडी। इसको पीछे से बांधना, इट्स बैकलेस, इट्स लाइक अ बॉडीकॉन थिंग, लेट्स रिमूव दिस। वैसे ये बहुत ज्यादा बस्ट लग रही है, लेकिन मेरे को बस्ट से काफी ज्यादा लूज है, लाइक ये कुछ इस तरीके से लगनी चाहिए थी बट नहीं, ये काफी खुली है मेरे को, बट ओवरऑल मेरे को इसकी वाइब बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। इसमें बहुत ज्यादा सीक्वेंस है बट बिल्कुल भी नहीं चुभ रही है, अगेन ये थोड़ी सी तो छोटी है, तो मेक श्योर कि तुम ऐसे लेगिंग्स वगैरह कुछ पहन लो पैरों को अपने वॉर्म रखने के लिए। ऊपर तो मेरे को लग रहा है ये मेरी फॉरएवर जैकेट जो ब्लैक फॉल लेदर वाली है, ये हर किसी के साथ जाने वाली है एंड आई एम रेडी। ओ माय गॉड, आई लव दिस लुक, जस्ट लुक एट ऑल द शाइन, इतनी ज्यादा ब्लिंगी ड्रेस है, परफेक्ट बर्थडे या फिर पार्टी वाइब तो दे रही है। ये साइज स्मॉल में है बट पता नहीं क्यों मेरे को ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है, पहन के ही पता चलेगा। ओके सो एक्साइटेड, ये थोड़ी सी चुभ रही है मेरे को, आई थिंक वो इसका सीक्वेंस चुभ रहा है मेरे को हल्का सा, या ये हल्की सी तो मेरे को पोकी पोकी कर रही है एंड ये है थोड़ी सी तो लूज है, बट यू कैन वेयर अ बेल्ट एंड अच्छा सा सिंच आ जाएगा वेस्ट पे, जस्ट लुक एट इट यार। वैसे हमारे जिनके विंटर्स में बर्थडे आते हैं ना, उनके साथ ये तो थोड़ा सा घपला हो जाता है कि विंटर ड्रेसेस नहीं मिल पाती, तो हमें इसी के साथ ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, तो आई एम थिंकिंग कि अपने आपको यू नो ठंड से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ऐसे फॉल लेदर ब्लैक जैकेट पहन सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा यू नो मस्त बॉस वाइब देगा, तो लाइक मैं हॉट भी लगूंगी बट लोग मुझसे डर के भी रहेंगे, मेरा सारा केक ना खा जाए ना। दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट इवनिंग गाउन, मतलब इसे देख के इसकी शेप, इसका फ्लेयर, इसका मटेरियल, लाइक देख के ही पता चल रहा है कि हाँ ये कोई मस्त गजब ऐसे यू नो लाइक क्लासी लुकिंग वाली चीज़। इसका फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगेन इसमें कोई जिपर नहीं है तो हमें इसे टॉप की तरह ही पहनना है, तो ये हम हो गए हैं इसमें फिट। Oh my God, look at the neckline. इसकी फिटिंग देखो, इसे देख के लिटरली ऐसे लग रहा है मैंने अपना मेजरमेंट देखे, ऐसे कस्टम बन
लगेगी ड्रेस, वन डे वाली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, उससे बहुत ही ज़्यादा बेटर लग रही है यार। मतलब हर तरफ से इसकी पूरी फिटिंग परफेक्ट है, आई जस्ट लव द वाइब। इसकी स्लिट भी इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब ये इतना ज़्यादा हॉट एंड ग्लैमरस मेरे को फील करवा रही है। मतलब पता चल रहा है कि हाँ बर्थडे है इस लड़की का। एंड अगेन अगर तुम्हें ठंड लगी तो तुम एक जैकेट कैरी कर सकते हो या फिर एक प्यारा सा यू नो स्टॉल या फिर शॉल वट एवर एंड यू आर रेडी। आई लव दिस इयर रिंग्स, आज ये मेरे सारे आउटफिट्स के साथ जा रहे हैं। वी हैव वन मोर ब्लिंकी ड्रेस, ये धूप में ब्लिंक होकर मेरा पूरा रूम ऐसे चमक रहा है, बट अभी हम ट्राई कर लेते हैं। ये ब्लैक कलर में है, ओके फाइनली अ ब्लैक ड्रेस। ओके ये ऐसे फ्रॉक स्टाइल में है एंड ऊपर हॉल्टन है के, और ये ऐसे भी हो रहा है ओके। ये काफ़ी डिफरेंट थी, मेरे को देख के ना काफ़ी डाइसी था कि पता नहीं ये कैसी निकलेगी, बट पहनने के बाद मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है। इट्स क्वाइट डिफरेंट, लाइक मेरे स्टाइल से भी काफ़ी डिफरेंट है, तो या थोड़ा सा फन है। एंड अगेन तुम जैकेट वगैरह तो कैरी कर ही सकते हो ये नाइट के लिए। ओ अब ठीक है, अब ठीक हुआ ये जैकेट, ये रात को पहनने के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा। द परफेक्ट ब्लिंक, तो तुम्हें ज़्यादा एक्सेसरीज भी कैरी नहीं करनी पड़ेगी। ये स्मॉल या फिर एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में है, दैट आई हैव टू चेक, जो भी है बट आराम से फिट आ गई है। इसकी लेंथ भी ठीक है, देखने में मेरे को लग रहा था अरे ये तो बड़ी छोटी फ्रॉक है, बट नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है टॉप अलग है और ये स्कर्ट अलग है, बट ये ड्रेस है, दैट्स नाइस। नेक्स्ट मेरे पास बहुत ही एक्सपेरिमेंटल ड्रेस है इन टर्म्स ऑफ इसका फैब्रिक, तुम देख ही सकते हो ऐसे धूप में थोड़ा सा रेनबोइश यूनिकॉर्न टाइप वाइब दे रहा है। ये फुल स्लीव्स है तो मुझे लगा कि लाइक अभी ठंड के लिए काफ़ी परफेक्ट रहेगा, अंदर तो हम पतली लेयरिंग वगैरह कर ही सकते हैं। सो लेट्स ट्राई इट, इट्स अ बॉडीकॉन ड्रेस। आई लव बॉडीकॉन ड्रेसेस यार, उनकी वाइब अलग ही होती है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसका फैब्रिक ना वैसे ठीक है, लाइक इतनी कोई खास बढ़िया क्वालिटी नहीं है, हाँ यूनिक है डिफरेंट है तो हाँ अच्छा लग रहा है पहन के। और हाँ ये चिपक भी नहीं रहा है, इसके अंदर ना ऐसे एक्चुअल में लाइक क्लोथिंग वाला फैब्रिक है तो काफ़ी सॉफ्ट है, अंदर से बिल्कुल चिपी चिपी नहीं हो रहा है, जो कि दिखने में लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। हल्की सी लूज है, ये स्मॉल साइज है, आई गेस मेरे को एक्स्ट्रा स्मॉल आई गेस था नहीं इसमें, पर इट्स ओके हम बेल्ट वगैरह लगा सकते हैं। इट्स क्वाइट डिफरेंट, ये ब्लिंकी ना होते हुए भी बहुत ही शाइन मार रही है, वो बात अच्छी है, हमें लाइम लाइट में रहना बहुत ही पसंद है। नेक्स्ट इज नॉट अ ड्रेस बट अ वाइब, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सेट है, मेरे को काफ़ी यू नो अच्छा लगा, इसका कलर भी काफ़ी प्रिटी है, तो आप एक बार ट्राई तो करते ही है, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ना ड्रेस ही पहननी है, हम इन चीज़ों में भी तो अच्छे दिखते ही हैं यार। एंड ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है, वाओ इट्स अ लाइक ब्लेजर क्रॉप ब्लेजर शर्ट एंड पैंट सेट, अंदर आई गेस वाइट कैमी टॉप ज़्यादा अच्छा लगता, बट इट्स ओके परफेक्ट फिटिंग, ये कॉटन फैब्रिक में। एंड अंदर ठंड में ना तुम इसे हाई नेक वगैरह भी पहन सकते हो, बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगने वाला, प्रॉपर गर्ल बॉस वाइब आ रही है, वो भी अपने बर्थडे पे, मतलब कितना ही फन है ये। ये काइंड ऑफ डिफरेंट ऑप्शन था, मेरे को लगा you know to share it with you guys if you want to get it and I kind of like it. Yaar iska color kitna pyara hai, hain nahi iski to full sleeve thi, acha ye aise hai, ये मेरे को फोटो में समझ नहीं आया होगा शायद, भाई साहब मैं डर गई शर्ट ये फटा हुआ है। ओके इट्स अ स्टाइल, वी लाइक सरप्राइजेस, ओके ओके ये अभी ऐसा केप वाइब दे रहा है, इसे केप की तरह भी पहन सकते हैं। वैसे ये एक ये एक प्यारे दोस्तों रैप ऑन ड्रेस है जिसको हाँ हो गया। रैप ऑन ड्रेसेस मुझे सिर्फ इसलिए पसंद है कि उसमें ना तुम खा पी आराम से सकते हो, कैसे भी एडजस्ट कर लो, लूज कर लो, टाइट कर लो, तुम्हारे हाथ में है। ये कुछ इस तरीके से लग रही है, इसकी स्लीव्स आर दी अटेंशन सीकर कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, हाँ शायद तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक भी बना सकते हैं, लेकिन इग्नोर देम, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा बर्थडे है, तुम कुछ भी पहन सकते हो, स्टाइल कर सकते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को सही लगी है एंड कवर्ड वगैरह भी है प्रॉपर, ये काफ़ी डिफरेंट एलिगेंट वे में, डिफरेंट बोल दिया ना मैंने, हाँ वही वाला स्टाइल है, अच्छी है वैसे। मैंने अपने बर्थडे पे गाउन्स कभी भी नहीं पहने हैं, तो इस बार ये मेरे लिए भी काफ़ी डिफरेंट होगा, होप ये अच्छा लगे यार, ये काफ़ी बड़ा है। ये वन शोल्डर है, ठीक है, इसमें फिट होना ईजी है इसलिए क्योंकि साइड में जिपर है, येस दैट मेक्स लाइफ easier बोलने वाली थी, बट नहीं ये एज इट इज़ भी अच्छी लग रही है, बट कुछ ज़्यादा ही प्लेन नहीं हो गई, तो इसलिए हम ले आए हैं एक्स्ट्रा ब्लिंक इसमें डालने के लिए। एंड ये मेरे इयर रिंग से भी मैच कर रहे हैं, अच्छा सिंच भी आ गया है वेस्ट पे, वरना ऐसे सीधी सी लग रही थी, इवन तो फिटिंग है बट अब थोड़ा और ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, तो ऐसे एक्सेसराइजेशन वगैरह तो हम ऊपर से कर ही सकते हैं। ओवरऑल ये ठीक है, इट्स लाइक अ प्लेन थिंग ओनली,
तो मैं कुछ ज्यादा पता लगा नहीं पा रही हूँ इसके बारे में, बट हाँ पहन के पता नहीं क्यों ऐसे ग्रीक गॉडेस जैसी वाइब आ रही है। आई होप कि तुम्हें बहुत ज्यादा वाले आउटफिट आइडियाज मिले हो। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी फेवरेट ड्रेस आउटफिट कौन सा था आज की वीडियो में से इन द कमेंट्स डाउन बिलो। मुझे ये वाली ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी, ऐसा लग रहा है कि मैं से पहन के आज सोने वाली हूँ। ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी और सॉफ्ट है यार। एंड आई होप कि तुम्हें सारे सजेशन अच्छे लगे हो। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, मुझे भी बोलो ठीक है। हाँ बोलो, जस्ट किडिंग। इफ यू एंजॉयड वॉचिंग लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।